इसके सीआई है, सुनना है मैंने। 9 अगस्त की परमिशन थी, उस परमिशन में क्या लिखा, आदिवासी समुदाय मर्यादा में कार्यक्रम करेंगे। बहुत आदेश देखे मैंने, बहुत परमिशन देखा मैंने, लेकिन किसी परमिशन में आज तक ये बात नहीं थी, क्या लिखा है कि ये लोग आदिवासी समुदाय मर्यादा में कार्यक्रम करें। इस मर्यादा की परिभाषा क्या है, क्या अमर्यादित लोग हैं ये? उस सीआई ने परमिशन दी है शायद, उस लेटर कोई लिखा है या किसी ने कि आदिवासी समुदाय मर्यादा में कार्यक्रम करें, जो अमर्यादित समाज हो, अमर्यादित लोग हो, उसके लिए लिखा जाता है। और किसी आदेश में हम समझते हैं नियम कायदों के अनुरूप कार्यक्रम करें, समझ में आता है, लेकिन मर्यादा में काम कार्यक्रम करें। और मैं आके साथी को कहता हूं, व्यवस्थित ड्राफ्टिंग बनाओ और उस आधार पर एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करवाओ उनको भी, क्योंकि जिस समाज को आपने मर्यादा में काम करें ये लिख के दिया है, तो क्या वो समाज अमर्यादित है जिसकी वजह से आप मूंछ तान रहे हो, उन पे आज तुम अत्याचार कर रहे हो? और मैं दोबारा कहता हूं कि जो ये हरकतें कर रहे हैं वो राणा पूजा, राणा महाराणा प्रताप के वंशज नहीं हो सकते हैं। एक दूसरा घटनाक्रम हुआ हमारे तरपाल गांव में, इसके बाद ये जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल हमारे एससी के साथी आए हुए हैं यहां। देश के अंदर अभी यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून बन रहा है, और वो समान नागरिक संहिता कानून को राज्यसभा में सबसे पहले किसने पास किया, मतलब किसने रखा, किरोड़ीलाल जी मीणा ने, उनसे रखवाया गया। इस देश के आदिवासियों को, दलितों को, एससी को इनके ही द्वारा मारो। और हवाला क्या दे रहे हैं, एससी के भाइयों को क्या बता रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा की जो डिबेट हो रही थी, और संविधान सभा की डिबेट के दौरान भीमराव अम्बेडकर जी ने समान नागरिक संहिता का हवाला दिया था। यही आरएसएस के लोग एससी वाले लोगों को यह बता रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी खुद चाहते थे कि यूसीसी आए, समान नागरिक संहिता कानून बने। और फिर मैंने भी संविधान सभा की डिबेट पढ़ी, और उस दौरान जब ये उस दिन 23/11/1948 को इस पर डिबेट हुई थी, इसको रखा गया था संविधान सभा जब संविधान का निर्माण हो रहा था, और इस पर दूसरे लोगों ने यह रखा था, और अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन इस देश में समानता हो जाएगी, जिस दिन इस देश में छुआछूत खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा, उच्च नीच खत्म हो जाएगा, उस दौरान जहां की उस दौरा की उस समय के जो लोग होंगे, जो जनप्रतिनिधि होंगे, उस समय की जो विधायिका होगी, वो विधायिका समान नागरिक संहिता लाए, ये बोला था उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि देश के अंदर अगर इससे पहले जब तक ये भेदभाव, जब तक ये छुआछूत रहेगा, तब तक इस तरह का कोई कानून नहीं बनेगा। क्या आज भेदभाव छुआछूत खत्म हो गया? और नहीं हुआ तो इस तरह का कानून लाने की क्या जरूरत है? और इसी दौरान इसको हाईलाइट किया गया, सायरा बानू कांड 2016 के अंदर एक जजमेंट आया, सायरा बानू ने अपील की थी, माइनॉरिटी को भी इसमें घसीट लिया, और यहां पर किरोड़ीलाल जी के द्वारा इसको लाया गया। आदिवासी समाज इस इलाके में चलता है कि ईसाई है, वो है, न आदिवासी समाज न तो ईसाई है, न हिंदू है, न बौद्ध है, न सिख है, आदिवासी समाज धर्म पूर्वी व्यवस्था वाला समाज है, ये मान लो आप दिमाग में। कई जनों को लग रहा होगा इमरती के आ विधायक, क्योंकि हम इतने कट्टर बने हुए, जोरदार कट्टर बने हुए, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन जो धर्म आदिवासी को, एससी को, दलित या पिछड़ा या छुआछूत करता है, उस धर्म के खिलाफ है हम लोग। आज हमारे आदिवासी समाज के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, देश के अंदर कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, अभी कार्तिक बिल को लेकर चल रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि पता है कि ये समाज चुनाव आएंगे, कुछ छोटा मोटा दे देंगे, देने के बाद ये हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन इस बार उनको एहसास कराना है कि ये समाज जब बेवकूफ में बहकाव में आने वाला नहीं है, ये समाज जब तुमको अक्कल सिखाएगा, वो लोकतंत्र की चाबी है जो मत है, और इस चाबी को इस बार ऐसा लगाओ कि उनके ताले जंग खा जाएंगे, उनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे।
इस बार ताले उनके जंग खा जाने चाहिए। और कई लोग कहते हैं आपको हमको कितना बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं नरेगा कानून ले आए। अभी राजस्थान सरकार एक कानून लाई, मृत शरीर सम्मान विधेयक, और उस कानून में यह है कि कोई भी गरीब आदमी अगर उसके परिवार के किसी लोग की हत्या हो गई है तो उसको लेकर न्याय नहीं मांग सकता है। ऐसा कानून बना रहे हैं ये लोग और हमको थैली दे रहे, इधर थैली दे दे के खुश हो रहे। और हमारा पढ़ा लिखा वर्ग भी कितना शानदार है, किताब पढ़ के अधिकारी कर्मचारी बन गया और बनने के बाद बहुत छूट लगा के शानदार रहता है और कहता है हमारे लोगों को जो धोती या जो कल्चर कार्यक्रम करते हैं तुम क्या गवार जैसे कर रहे हो। उनको कहना चाहूंगा आप जो भूत छूट लगा के आज खड़े हो, अगर ये संस्कृति नहीं होती तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आप अधिकारी कर्मचारी नहीं बनते। और किसी भी आदमी के अंदर ये गुमार हो, जो रिजर्व कैटेगरी के आंधी आदमी, रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति के अंदर कोई खुमार हो कि मेरे लिए मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर काबिलियत है, ऐसा अगर किसी के अंदर खुमार हो तो एक भी फोरम कंपटीशन एग्जाम के वक्त जो भरा है उसमें अपने समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाया ऐसा बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि ये व्यक्ति है शानदार, उसके अंदर काबिलियत है। खुद की काबिलियत की बात करते हैं लेकिन फोरम पर ना सबसे पहले आदिवासी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट पहले लगाते हैं, छात्रवृत्ति चाहिए तब पहले लगाते हैं। वो जिस सर्टिफिकेट को लगा के अधिकारी कर्मचारी बनते हैं और वहां बनने के बाद उसी संस्कृति को उसी परंपरा को वो नीचा समझने लगते हैं और बाजार से पंडित जी को लाके पूजा पाठ कराने लगते हैं। आज हमको एसटी का जो सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या मोरवा है आज कपड़े हम लकेलो है तो आदिवासी है, किसी के लिखा हुआ है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते क्या, तब उगड़ो करीम जोए हुए हैं वहां क्या मोरवा है कपड़ेजाम के लकेल हुए। उसके कल्चर के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, हमारी बोली के आधार पे, उसके आधार पे हमको मिला हुआ है। और हमको ये जो शेड्यूल फाइव का जो प्रावधान दिया गया है, कई लोग कहते हैं आरक्षण हमने दिया, बीजेपी वाले बोलते क्या बोलते हैं 1995 के अंदर बेरोसी शेखावत की सरकार थी और उस सरकार ने आपको आरक्षण दिया। ये शेड्यूल फाइव का जो प्रावधान है 1935 के अधिनियम से प्रक्रिया चली थी और 1975 के अधिनियम, आजादी से पहले हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ के इस प्रावधान को, शेड्यूल फाइव के प्रावधान को लिया गया है, उन्होंने भीख में नहीं दिया हमको। 1995 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, असम का कोई परिवार गया था और जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड किया कि सभी राज्यों के अंदर शेड्यूल फाइव के प्रावधान लागू होने चाहिए। और उस समय हमारे जो कुछ ये इस इलाके के अंदर सरपंच जो दूसरे लोग बनते थे, विधायक दूसरे लोग बनते थे, और उस समय से 100% रिजर्वेशन शासन के अंदर लागू हुआ, 100% रिजर्वेशन। कई बार हम बोलते हैं 100% रिजर्वेशन, कई लोग हंसते हैं, उनको पता नहीं है 100% रिजर्वेशन शासन में लागू है या शेड्यूल एरिया के अंदर सभी सरपंच आदिवासी बनते हैं, इस बात को समझना है। और मैं आज के आगे कहना चाहूंगा ये कालकी बाई को जो मारने में जो सहयोगी थे और उस सरकार को भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि इस मामले को आपने दबा दिया, कन्हैयालाल के परिवार को एक एक 50-50 लाख रुपए दिए, जो नौकरियां थी और यहां पर अभी तक एट्रोसिटी के तहत जो प्रावधान है पैसों का सहयोग का वो भी नहीं दिया गया। और आने वाले समय में आज हम जो आए हैं आपके बुलाने पर आए हैं लेकिन आज इस चीज को अच्छे से समझेंगे और हमारी जो मांगे हैं अगर वो सरकार नहीं मांगेगी, इस परिवार को सरकारी नौकरी नहीं देगी, इस परिवार को आर्थिक सहायता नहीं देगी और इस जो कालकीबाई को मारने में जो सहयोगी लोग थे उनको अगर गिरफ्तार नहीं करेगी तो उदयपुर संभाग में बड़ा आंदोलन होगा, पूरे उदयपुर संभाग में। और आप सबको ये बात आज गांठ बांध के जानी है और अपने सॉफ्टवेयर में एक साइट कहीं सेव कर देना है परमानेंट के लिए। और जब भी आह्वान होगा हर गांव से हर परिवार से आना है, हमारे समाज को कभी दुख होता है इतना मजबूर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया है कि दो वक्त की रोटी भी नसीब